गाइज वेलकम इन केके क्लासेस। केके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और भी एयरफोर्स, एक्स वाई जितने भी इंग्लिश सिलेबस संबंधित हैं आज हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, विषय पे है बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि पहला चैप्टर जो है लूसेंट में भी दिया है और बहुत सारे बुकों में जो है सिंटैक्स दिया है। सिंटैक्स जो होता है इसे सुनते ही आदमी के दिमाग में सिंटैक्स ही एक ऐसा है जो हमारा पूरा व्याकरण पढ़ने के बाद कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता ये बताता है। ये मैं वाक्य सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, अगर नहीं लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, क्या होता है, सब कुछ जो है पूरे डिटेल में हम लोग सिंटैक्स में पढ़ते हैं। तो सिंटैक्स का सबसे पहले तो हिंदी होता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास इसमें लोग वाक्यों को एक एक पहलू से तोड़ते हैं, उसे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज है, क्या होना चाहिए, कैसे होता है, आखिर ये होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है, सब कुछ इसमें हम देखेंगे और संबंधित जितने भी जीके होंगे, क्वेश्चन होंगे, सब हम लोगों को बात करेंगे इससे संबंधित। तो सबसे पहले होता है इसमें कई रूल हैं, रूल हम जो है पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में करके देखेंगे। यदि आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश संबंधित, कोई भी जो है सिलेबस आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक ख्याल तो आ ही गया होगा कि ऐसा कुछ होगा इसमें जिसमें एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो है तालमेल के लिए कुछ ना कुछ हमें करना होगा, एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट से तो हमें इतना समझ में आता है कि किसी दो लोगों के बीच में कोई तालमेल बैठाने के लिए कुछ करना है। क्या करना है चलिए देखते हैं। देखिए किसी भी अगर सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसमें उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही अगर वर्ब लगाया जाता है तो अच्छा लगता है। कोई भी सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं तभी हमारा वाक्य सही होता है। जैसे बच्चों किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नंबर हमें चेक करना होता है, कोई सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है, उसके अनुसार हम जो वर्ब लगाते हैं उसके अनुसार हम लोग क्रिया का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया होती है उसका प्रयोग जो है ना ये डिपेंड करता है नंबर एंड पर्सन, पर्सन पे डिपेंड करता है और नंबर पे डिपेंड करता है। व्यक्ति जो है एक वचन है, बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। पर्सन इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही जरूरी है कि पर्सन का जो है हम ध्यान दें और नंबर पर ध्यान दें। तो अब जो बच्चों बात आती है कि वर्ब का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, मतलब कि हमें जैसे मान लो कि आई, मैं, तो मैं के साथ इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है, ये आप जो है इसमें समझेंगे। इज है क्या, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, वो हमें समझना है इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आई है वो क्या है, सिंगुलर है, जो है प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ही है वो क्या है, सी है वो क्या है, दिस है वो क्या है, इट है वो क्या है। तो पहला, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त तो होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता जो कर्म को करता, जो कार्य को करता है, कर्ता उसे कहते हैं जो कार्य को करता है। कोई भी कार्य हमारे जीवन में जितने भी कार्य होते होगा उसे मैं कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जब, ये सब सारे क्या है, मैं कर रहा हूँ ना, मैं, तो जितने काम हो रहे कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, मैं क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। काम जो है तो अब मुझे कहाँ लगाना है गो और कहाँ लगाना है गोज, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब जो है प्लूरल प्रयुक्त तो होना चाहिए, मतलब अगर बहुवचन है तो उसमें वर्ब भी जो है बहुवचन होना चाहिए, वर्ब भी अगर बहुवचन है तो बहुवचन होना चाहिए। और आप जान लें कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो बहुवचन में ही होती हैं, उसे हम लोग एक वचन बनाने के लिए उसमें ई एस या आई मतलब जो है जोड़ते हैं उसमें। जैसे ये डू है, डू है ये क्रिया है, डू क्या है, क्रिया है, और ये प्लूरल है, प्लूरल है, ये क्या है, डू जो है प्लूरल है, बहुवचन है बच्चों, इसको हम लोग एकवचन बनाने के लिए इसमें डज ई एस जोड़ देते हैं तब ये जाके सिंगुलर होता है। तभी ना हम लोग लिखते हैं कि राम, जैसे हम लोग लिखते हैं कि राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है,
तो हम क्यों नहीं लिख दिए कि राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल हम क्यों नहीं लिख दिए? कारण रीजन बेस्ड टेस्ट का ये है कि ये जो गो है ना, ये प्लूरल वर्ब है, ये बहुवचन वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये ऑलरेडी पहले से ही बहुवचन है, तो इसको एक वचन बनाने के लिए हमने गोज लगा दिया। पढ़े होंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस में से कि जो है ये लगा दिया जाता है। और देखो जैसे मान लो कि आई है, तो क्यों नहीं आई के साथ गोज लग जाता है? आई गोज टू स्कूल क्यों नहीं लग जाता है? आई गोज टू स्कूल क्यों नहीं लग जाता है? कारण कि जो है ये बहुवचन जब सब्जेक्ट हमारा हो गया तो ये एक वचन क्यों रहेगा, इसे भी बहुवचन करेंगे ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पार्ट वन जो है यहीं पे मैं फिनिश करता हूं, मिलते हैं पार्ट टू में, पार्ट वन फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग के क्लासेस, बने रहिए के सर के साथ।